प्यारे बच्चों, आप समीकरण के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है वो प्राप्त कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अभी हम समीकरणों में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। पहले हम सिर्फ एक ही संक्रियाएं कर रहे थे कि चर का मान निकालने के लिए या तो हमें जोड़ करना पड़ रहा था, या घटा करनी पड़ रही थी, या गुणा या भाग। इन चारों में से सिर्फ एक ही संक्रियाएं हमें करनी पड़ रही थी। लेकिन यदि हमें दो संक्रियाएं करनी पड़ जाए तो हम किस प्रकार से करेंगे? अर्थात कि मेरे पास एक प्रश्न ये आ गया, 3x-2=6। मेरे पास एक प्रश्न यदि ये आ गया तो मैं क्या करूंगा? हम पहले बात कर रहे हैं सिर्फ उन समीकरणों के बारे में जिसके अंदर चर सिर्फ एक पक्ष में है, रैखिक समीकरण है एक चर वाला, और चर भी एक ही पक्ष में है, दोनों पक्षों में नहीं है। अभी दोनों पक्षों की तरफ हम गए नहीं है, तो एक पक्ष में है। तो हम पहले क्या करेंगे? देखो, चर के साथ हमारे पास एक संख्या गुणा में है। कौन सी संख्या गुणा में है? 3। और एक संख्या घटा में है। कौन सी संख्या घटा में है? 2। हम पहले क्या करते थे कि कोई संख्या यदि चर के साथ घटा में है उसको पक्षांतरण करके दूसरे पक्ष में ले जाके जोड़ देते थे। यदि जोड़ में है तो घटा देते थे, गुणा में है तो भाग में ले जाते थे, भाग में है तो गुणा में ले जाते थे। इस प्रकार करते थे। लेकिन जब हमारे पास ये गुणा में है और एक घटा में है तो उसको हम किस प्रकार से करेंगे, इसको ध्यान से देखना है। देखो, हमारे पास बीच में समता का निशान ऐसे कैसा ही है, उसको कहीं भी नहीं, हमें टोकना नहीं है, वो समता का निशान रहेगा ही। सिर्फ हमें जो अंक है या जो हमारे यहां पे संख्याएं दे रखी हैं उनको इधर उधर लेके जाना है सिर्फ। अब यहां पे पहले मैं जोड़ या घटा की संक्रिया ही करूंगा, गुणा की पहले नहीं होगी या भाग की पहले नहीं होगी, पहले किसकी होगी? जोड़ या घटा की। अब इसको इधर उधर लेके जाऊंगा, इधर मेरे पास कितना है? पहले ही 6। घटा के 2 को उधर ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा? जोड़ का 2। और यहां पे जो बच गया उसको ऐसे कैसा लिखना है? ध्यान रहे, मैं सिर्फ घटा वाली संख्या को उधर लेके गया हूं जो ये जोड़ की हो गई है, और बाकी ऐसे कैसा ही 3x। तो मेरे पास 3x बराबर कितना बच गया? 6 और 2, 8। यहां तक समझ में आया? एक बार दोबारा देखें कि 3x घटा 2 = 6 था। तो जो मेरे पास घटा या जोड़ में होगा पहले मैं उसको पक्षांतरण करूंगा, पहले उधर वाले पक्ष में लेके जाऊंगा, और बाकी सबको ऐसे कैसा रखूंगा? 3x बच गया 3x, और घटा का 2 उधर ले गया, जोड़ का 2 हो गया, 6 और 2 यहाँ पे 8 हो गए, 3x इधर हमारे पास था ही। अब ये वही संख्या है, अब ये वही समीकरण है जो हम कल कर चुके हैं कि एक्स के साथ 3 गुणा में है, गुणा में है तो ये 3 यहां कहां चला जाएगा? 8 के भाग में चला जाएगा, उधर क्या बचेगा? एक्स बच जाएगा। तो x बराबर मेरे पास क्या आ गया? 8/3 आ गया। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और देखें, यदि मेरे पास कोई संख्या इस प्रकार आ गई, y/2 - या +7 = 15। अब इस प्रकार से मेरे पास प्रश्न आ सकता है। तो मैंने कहा था कि पहले घटा ये भाग या गुणा वाले को नहीं टोकना है, हमें किसको लेना है? जो जोड़ या घटा में होगा। जोड़ या घटा हमारे पास 7 है तो सबसे पहले 7 को उधर लेके जाएंगे। देखो, पहले जो इधर संख्या वो इधर ही लिखनी है, पहले वही लिखनी है। ये नहीं है कि जो हम लेके गएंगे पहले उसको लिखेंगे, तब गड़बड़ करते हैं हम लिखने में। तो 15 पहले ऐसे कैसे ही, 7 जोड़ का उधर ले जाएंगे, घटा का 7 हो गया, और यहाँ पे y/2 हमारे पास ऐसे कैसा ही है, बराबर का निशान है, यहाँ पे y/2 है, पहले उसको हल कर लेते हैं। 15 में से 7 कटे, क्या बच गया? 8। अब ये वाई के बटे में 2 मतलब भाग में है, तो उधर जाके किस में हो जाएगा? ये 2, ये 2 यहाँ गुणा में आ गया, और यहाँ क्या बच गया? y, क्योंकि ये 2 को हम इधर ले गए, तो y बराबर मेरे पास 8 × 16 बच गया। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। और देखें कैसे कर सकते हैं ये प्रश्न, और प्रश्न ये हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि x = 1/3 = 7/3, या घटा का ले लेते हैं कोई भी एक अंक, 2x + 1/3 = 7/3। अब इसमें 2x है, उसको ऐसे कैसा रखना है? मैंने ये कहा था कि जोड़ या घटा में उसको उधर लेके जाना, और इधर जो संख्या पहले है घटा का 7/3 है, इधर पहले ये ध्यान रहे घटा का 7/3 है, और मेरे पास ज्यादा बड़ा प्रश्न हो जाएगा जी, इसको नहीं लेते हैं, पहले आसानी से लेते हैं। मेरे पास यदि ये आ गया कि 2x - 1/2 = -4, ये मेरे पास कोई संख्या है,
एक समीकरण हमने ये ले लिया कि 2x-2 बराबर है माइनस का 4, तो जो घटा में है या जोड़ में है उसको पहले उधर लेके जाएंगे। लेकिन मैंने यही बात कही थी कि जो पहले इधर संख्या है घटा का 4 है, तो वो घटा का 4 ही पहले लिखना है। जो हम लेके गए हैं उसको बाद में घटा का 2, ये जोड़ का हो जाएगा। और यहाँ पे 2x बिल्कुल ऐसे कैसा ही, अब यहाँ पे 2x हमारे पास है ही, 4 घटा का 4 और जोड़ का 2, घटा के 2 बच गए। कल जो गेम करने के लिए दिया था उसके द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि घटा का 4 आता है और एक जोड़ का 2 आता है, तो हमेशा दोनों बीच में घटा होगी, बड़ा का निशान रहेगा, 4 में से 2 गए घटा का 2। तो यहाँ पे अब ये गुणा में है 2, तो हमारे पास ये इसके भाग में आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो x बराबर कितना बच गया, 1 एकम 1, और घटा का 1 निशान है, तो माइनस का 1 हमारे पास x बच गया है। और किस प्रकार से प्रश्न हमारे पास इसमें हो सकते हैं, और किस प्रकार से प्रश्न हमारे पास हो सकते हैं, हमारे पास प्रश्न हो सकते हैं 7 बराबर है 3x-2। हर बार हम यही कर रहे थे कि जो चर था हमारे बाएं पक्ष में आ रहा था, इस साइड वाले पक्ष में था, दाएं पक्ष में नहीं था, अब की बार दाएं पक्ष में आ गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि ये इधर आ गया तो अब हम क्या करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों पक्षों को चेंज कर दो। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x-2 = 7, इस पूरे को इधर ले आए और इस सारे को इधर ले गए। जब दोनों पक्ष पूरे के पूरे संख्याओं के साथ पक्षांतरण करेंगे तो चिन्हों में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि फर्क भी आएगा तो माइनस से गुणा करके वो फिर वही का भी आ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जो घटा वाला उधर जाके जोड़ में हो जाएगा, ये जोड़ का 2 हो गया, इधर क्या बच गया हमारे पास 3x, 3x = 7 + 2 कितना हो गया 9, और x बराबर यहां से समझ ही गए होगे कि ये 3 कहां चला जाएगा, गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, और x बराबर कितना बच गया 3, नीचे 1 है उसको लिखे या ना लिखे। तो बड़ी आसान विधि है ये, और एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आशा है कि कल वाले काम के बाद आज वाला ये काम भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आप प्रश्नावली 2.1 करके अपने अध्यापकों को दिखा सकते हैं।